इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। जी हाँ, हमारा जो पहला पेशेंट था उसका बुखार ठीक हो गया है और उसके स्किन का जो लीजन था वो भी ठीक हो रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाएगा। इसके साथ दूसरा पेशेंट जो है वो हमारे पास एडमिट हुआ है और उसके भी हमने टेस्ट भेज दिए हैं। ये जो दूसरा व्यक्ति है वो अफ्रीका मूल का निवासी है और वो अभी काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से दिल्ली में ही रह रहा था और ये अभी इसको जो है स्किन के जो टेस्ट हैं और ब्लड के टेस्ट हैं वो हमने भेज दिए। अच्छा, जिस तरह से जो है मंकी पॉक्स का पहला मामला जब मिला था, दो मामले से पहले केरल में चुके थे, तो एक तरह से बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। और लेकिन लोकनायक अस्पताल की बात करें, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, आपने एक डेडिकेटेड वार्ड भी बनाया है और आप लोगों ने बखूबी जो चुनौती का सामना किया, ये कैसे संभव हो पाया? हमने पूरा जब केरल में मामला आया था तभी सारा स्टाफ का हमने ट्रेनिंग दिया, 20 डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई, उसमें स्किन स्पेशलिस्ट, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स, फिजिशियंस सब लोग थे और सबको हमने प्रोटोकॉल समझाए, WHO गाइडलाइन समझाई, कैसे हम पेशेंट को हैंडल करेंगे, कैसे उसका इलाज करेंगे, कैसे उसको आइसोलेट करेंगे, ये सारा हमने अलग से एक उसकी रूपरेखा तैयार की और पेशेंट्स का हमने टेस्ट भेजा। उसके बाद उसका इलाज भी शुरू किया, उसके सारे डेली इन्वेस्टिगेशन होते थे और पेशेंट अब रिकवर हो रहा है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही वो स्वस्थ हो जाएगा और जो भी हम कर पाए हैं वो इसलिए कर पाए क्योंकि हमें कोविड का अनुभव था और वो अनुभव हमारे काम आया और हमने सारी टीम को मोटिवेटेड रखा है और हम समझते हैं कि इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस पे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे और प्रिवेंशन पे फोकस करना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गाइडलाइंस हैं उसको मानना है और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क का प्रयोग, बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क लगा के रखें, सिंपल जो मास्क है वो लगाएं और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसे दूर रहें, फिजिकल कॉन्टैक्ट ना रखें। यदि आप एक ही रूम में रहते हैं तो बेड शीट्स, पिल्लो या मरीज के जो कपड़े हैं उससे दूर रहें, टॉयलेट शेयर ना करें। इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।